से जैसा हंसना आता है। मथुरा नरेश कंस को किसने कह दिया कि कृष्ण भगवान है? अब इस कृष्ण ने मुझसे ठिठोली की तो मैं इसे शाप दे दूंगा। मैं विचलित क्यों हो रहा हूं? यह नटखट कृष्ण मेरे ध्यान में क्यों आ रहा है? प्रभु, ध्यान में आपके दर्शन होने के बाद भी महर्षि दुर्वासा जैसे ज्ञानी तपस्वी आपको नहीं पहचान सकते। क्या यह अहंकार का प्रभाव है प्रभु? उनके अहंकार का दमन आप कब करेंगे प्रभु? कब उन्हें अपने तेज का साक्षात करवाएंगे? शीघ्र ही राधे, शीघ्र ही। परंतु उससे पहले मैं मामा जी से भेंट करना चाहता हूँ। कैसे पता चलाया जाए कि महर्षि दुर्वासा ने कृष्ण को शाप दिया या नहीं? महर्षि, महर्षि आप यहाँ? महर्षि, आपको देखकर मैं कितना प्रसन्न हुआ हूँ व्यक्त नहीं कर सकता। आप कितने प्रसन्न हैं मामा जी? महर्षि देखिए ना, ये दिन में भी मुझे कृष्ण का भ्रम होने लगा है। कृष्ण से याद आया महर्षि, आप गोकुल जाने वाले थे, कृष्ण की परीक्षा लेने वाले थे और उस दुष्ट कृष्ण को शाप देने वाले थे। महर्षि, आपने उस कृष्ण को शाप दिया? आप मुझे शाप क्यों दिलवाना चाहते हैं मामा जी? महर्षि, आपने सुना कृष्ण का स्वर? सुना? ये कृष्ण मुझसे बातें कर रहा है। मामा जी, मैं ही तो कृष्ण हूँ। मैंने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया, जो भी किया मैंने ही किया। तुमने क्या कर दिया? मैंने महर्षि दुर्वासा की जटाओं को काट दिया। हाँ, हमारे घर में रह रहे हैं ना, मैंने उनकी शैया को भी आग लगा दी। तुम सत्य कह रहे हो? सत्य कह रहे हैं मामा जी। आप तो गए, महर्षि आप पर बहुत क्रोधित हुए हैं। मुझ पर क्यों? अरे मामा जी, किया तो मैंने ही है, परंतु मैंने उन्हें कहा कि सब
करने के लिए आपने मुझे कहा था। अरे भांजे, ये तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? कौन सी शत्रुता मिटा रहे हो मुझसे? इसी जन्म की मामा जी, तैयार हो जाइए। ऋषि दुर्वासा मथुरा आ रहे हैं। अब मैंने थोड़ी कहा था कि शैया पर आगा। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था कि महर्षि दुर्वासा गोकुल जाएंगे और कृष्ण पर क्रोधित होकर कृष्ण को शाप देंगे, परंतु महर्षि दुर्वासा तो मुझ पर ही क्रोधित हो गए। मथुरा आ रहे हैं और मुझे शाप देने वाले हैं। कैसे बचूं? कैसे बचूं महर्षि के क्रोध से? कानोर! आओ चारू, आओ महाराज, आओ शीघ्र आओ महाराज। आप महाराज, आप मेरी बात तो सुनिए महाराज। परंतु महाराज, आप कारागृह में क्यों आए हैं? आप करना क्या चाहते हैं? चारू, प्रश्न मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप आज्ञा तो दीजिए महाराज। चारू, मुझे कारागृह में बंद कर दो। महाराज, महाराज, आओ चारू। महाराज, आओ। महाराज, चारू, तुम्हें नहीं पता, उस कृष्ण ने महर्षि दुर्वासा की जटाएं खींच ली है, उनकी शैया में आग लगा दी है। अब महर्षि दुर्वासा यहां मथुरा आ रहे हैं मुझे शाप देने। महाराज, ये आपका भ्रम है महाराज। भ्रम नहीं है चाणूर, मुझे ये बात स्वयं कृष्ण ने बताई है। परंतु महाराज। चाणूर, बातें करने में समय बर्बाद ना करो, मेरे आदेश का पालन करो। शीघ्र जाति शीघ्र मुझे कारागार में बंद करो। शीघ्र आओ। प्रभु, अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, ये आज आपने मथुरा नरेश कंस के द्वारा विश्व को बता दिया है। जिस कारागृह में आपके माता पिता वसुदेव देवकी को कंस ने बंदी बनाया है, उसी कारागृह में स्वयं कंस ने अपने आप को बंदी बनाया है। चलो शीघ्र आओ महाराज, शीघ्र आओ महाराज, ये द्वार बंद कर दो। महाराज, आप मेरी बात सुनिए महाराज। चाणूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। महाराज, आपकी मनोदशा ठीक नहीं है। चाणूर, मेरी मनोदशा बिल्कुल ठीक है, मेरे आदेश का पालन करो। अरे कार्य करो, ये वसुदेव और देवकी को भी कारागार से मुक्त कर दो। महाराज। हाँ, इन्हें राजसी वस्त्र दे दो, जब महर्षि दुर्वासा आएंगे तो उनका स्वागत ये दोनों करेंगे। करोगे ना वसुदेव जी? करोगे ना देवकी? चाणूर, तुम खंभे की भांति खड़े क्यों हो? जैसा मैंने कहा है वैसा करो। मेरे आदेश का पालन करो। जा, 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 जाओ, शीघ्र जाओ। परंतु महाराज। और द्वार बाहर से बंद कर दो, ताला भी लगा दो, और महर्षि दुर्वासा को बताना नहीं कि मैं यहां पर हूं, ठीक है? जाओ जाओ। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं इस कारागार में हूं। सिपाही, द्वार खोलो। महर्षि, स्वामी,
महर्षि दुर्वासा कहाँ है कोठरी में? कन्हैया क्यों शोर मचा रहे हो? कान्हा जाओ जाकर बाहर खेलो, तुम्हारे मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ वो देखो, मैं नहीं जाता। कृष्णा मेरे लल्ला, तुम अब बड़े हो गए हो, समझा करो। नहीं पिताजी। ओ भैया तो मुझे अभी छोटी कहते हैं। इसे समझाओ यशोदा। मैं सब समझता हूँ पिताजी। अच्छा क्या समझते हो? यही कि अंदर बाबा जी सो रहे हैं। इसीलिए मुझे आवाज नहीं करनी है। देखा मेरा कन्हैया कितना समझदार है। कान्हा, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बाबा जी को देखने।